हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार शुक्ला एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ। ये मेरा बिल्डिंग मटेरियल का जो चैप्टर है सीमेंट, इसका ये तीसरा और आखिरी पार्ट है। इससे पहले मैंने दो पार्ट अपलोड किए हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, हर स्टेट के लिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, जेई सिविल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो ये बिल्डिंग मटेरियल जो मैंने स्टार्ट किया है, वैसे तो मैंने चार चार सब्जेक्ट जो है आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये चार सब्जेक्ट अभी लिए हैं और इनको मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इनको आप देखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में आपको 100% यही सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इनको आप समझते जाइएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। हर एग्ज़ाम में इनका 95% क्वेश्चन आपको मिलने ही हैं, क्योंकि तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी भी अच्छी अच्छी बुक है उससे मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 39 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, ये 40वां क्वेश्चन है सीमेंट जो आपका ये चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल का। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 40, पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर वाइट चॉक एंड क्ले बट फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इज नो एज। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ रहा है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट का हम लोग निर्माण करते हैं उसमें शुद्ध सफ़ेद चाक तथा चिकनी मृदा से किया गया है, ठीक, लेकिन उसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति नहीं है। तो जैसा आपको मालूम होना चाहिए, जो आयरन ऑक्साइड है ये सीमेंट में कलर के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो इसमें नहीं है तो वो कौन सी सीमेंट होगी? वो वाइट सीमेंट होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये चीज़ यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इस चीज ये चीज़ समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीमेंट बिकम्स अनसाउंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। सीमेंट किसकी उस उपस्थिति में अनसाउंड बन जाता है? अब देखिए, सल्फर, मैग्नीशिया, लाइम, ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि आपको पता है कि इन तीनों की उस उपस्थिति में जो सीमेंट है वो अनसाउंड बन जाता है। और जैसे लाइम है, फ्री लाइम के लिए आपको मालूम है कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं, लीच एटलियर एपरेटस का यूज करते हैं। मैग्नीशिया का पता करने के लिए और लाइम का, दोनों का पता करने के लिए ऑटोक्लोव हो गया, लेकिन सल्फर का पता करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन आपको मेड इजी की बुक हो गई या अच्छी अच्छी बुक जितनी हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसको भी आप जानते रहिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज, साधारण सघनता के लिए पानी का प्रतिशत है 15 से 25%। इसको आप जानते रहिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्राइमरीली डिपेंड अपॉन। तो जैसा आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो सीमेंट की ताकत है वो प्रारंभिक रूप से वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है। जितना वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा, यानी जैसे वाटर सीमेंट रेशियो आपने ज़्यादा कर, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर जो एक मानक है अगर उसके अनुसार आपने वाटर सीमेंट रेशियो रखा तो आपकी स्ट्रेंथ अधिक होगी, यानी इससे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये आगे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच ए लार्ज डैम। अब जो हम लोग भारी सीमेंट का, भारी कंक्रीट संरचनाओं में जैसे बड़े बड़े बांधों का बनाने के लिए निर्माण करते हैं, उसके लिए जो हम सीमेंट यूज करते हैं वो लो हीट सीमेंट ही इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो हीट होती है वो कम डेवलप होती है, जिससे कि जो बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्रैक्स ना आ जाएं। अगर क्रैक्स आ गए तो वो पूरी संरचना जो है आपकी कोलैप्स हो जाएगी, ढह जाएगी। इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है। आपकी जो लो हीट सीमेंट होती है, इसकी जो आपकी
सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो 1 घंटा होता है, जो फाइनल होता है वो 10 घंटा होता है, इसको भी आप जानते रहिए। और कौन सी सीमेंट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे आपकी सल्फेट रेस्टिक सीमेंट है, जैसे आपकी सल्फेट रेस्टिक सीमेंट है, इसका यूज़ हम लोग कैनाल लाइनिंग करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसका हम लोग जो रोड रोड बनाते हैं वहाँ पर, फौरी निर्माण वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। लो हीट सीमेंट हो गई, इसका यूज़ हम लोग क्या कहते हैं, आपको मैं बता ही चुका हूँ, भारी संरचनाओं में किया जाता है। ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, इसका जो हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डनरी स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं, साधारण बिल्डिंग संरचनाओं में इसका यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ की जानकारी होना आपको ज़रूरी है, इनकी इनिशियल टाइम, सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत जानना ज़रूरी है, कहाँ इनका निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज एज ए एक्सेलरेटर इन द सीमेंट इन परसेंटेज बाई वेट ऑफ सीमेंट इज, तो बाई वेट जो है, हम सीमेंट में जो कैल्शियम क्लोराइड है जो एक त्वरक के रूप में मिलाते हैं, वो कितना लेते हैं, 2% लेते हैं, और ये तो त्वरक के रूप में हो गया, यानी ये एक्सेलरेट कर देती है, और जो मंदक के रूप में होता है वो हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ आप जानते रहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि एक्सलेटर के रूप में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है, 2% मिलाया जाता है, रिटार्डर के रूप में जिप्सम मिलाया जाता है, उसका प्रतिशत कितना होता है, और उसको किस समय मिलाते हैं, यानी उसको क्लिंकर की ग्राइंडिंग करते समय जिप्सम को मिलाया जाता है पीसते समय, ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो ये भी एक क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ये सीमेंट में अंतिम सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन सी सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट की अधिकतम प्रतिशत होती है? तो जैसा कि आपको मालूम है, जो लो हीट सीमेंट है, इसमें क्या होता है, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 1 घंटा है, फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 घंटा है। तो इसमें जो, जब इस सीमेंट को हम बनाते हैं, तो इसमें हम लोग डाई कैल्शियम सिलिकेट का अधिकतम प्रतिशत रखते हैं, और C3S का, ट्राई कैल्शियम सिलेट का, कम प्रतिशत रखते हैं, तब जाके लो हीट सीमेंट बनती है। तो बस इस क्वेश्चन में से इतना ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज, तो वो जिप्सम है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। जिप्सम में जो मोस्ट समान रूप से जो मंदक मिलाया जाता है सीमेंट में, वो जिप्सम है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेस आर, सीमेंट की शक्ति का विकास और इसकी महीनता होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो सीमेंट की फाइनेस की होगी, जितना महीन सीमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा वो स्ट्रेंथ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज, तो सामान पोर्टलैंड सीमेंट का जो क्षणिक जमना है उसे क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर और हार्डनिंग, यानी ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो सामान पोर्टलैंड सीमेंट का जो क्षणिक जमना होता है, यानी कुछ समय के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री नेचर हार्डनिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू, अब कह रहा है जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, तीव्र सुदृढ़ीकरण सीमेंट, जो जल्दी से सुदृढ़ हो जाती है, कठोर हो जाती है, उसमें अपनी शक्ति को शीघ्र प्राप्त कर लेती है, क्योंकि क्यों प्राप्त करती है, इसमें क्या होता है, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, यानी जो नॉर्मल सीमेंट होती है उससे ज्यादा, उससे ज़्यादा इसमें लाइम कंटेंट होता है, और नॉर्मल सीमेंट से,
तो, और उसको महीन पीसा होता है, उसको बारीक उसकी पिसाई होती है, फाइनर होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये चीज आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। तो जैसा आपको मालूम है, मैंने बताया था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम लोग सीमेंट की गुणवत्ता जानने के लिए फील्ड टेस्ट करते हैं, तो उनमें से क्या क्या चीजें होती हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि ये सीमेंट अच्छी है कि खराब है। जब हम सीमेंट के बोरे में हाथ डालते हैं, तो हमको सीमेंट का बोरा जो है, जो महसूस होगा, वो ठंडा होना चाहिए। यहाँ पर वार्म दिया तो गलत है। जो सीमेंट का कलर है वो क्या होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ब्लूइश लिखा है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हैंड फुल ऑफ सीमेंट थ्रो इन टू ए बकेट, या बाल्टी में पानी भरा, उसमें हम अगर हैंड से सीमेंट अंदर डालें तो उसको धीरे धीरे बैठना चाहिए, ना कि तेजी से। अब लिखा वाटर शुड सिंक इमिडिएटली, गलत है ये। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है। सीमेंट, ये चीज आप जान लीजिए कि सीमेंट का जो फील्ड पे हम लोग टेस्ट करते हैं उसकी गुणवत्ता की पहचान करने के लिए, उसके लिए कई टेस्ट हैं, बिना एपरेटस के भी हैं, एपरेटस के भी हैं। बिना एपरेटस के लिए है कि बोरी सीमेंट है, उसको आप हाथ डालिए, उस ठंडा महसूस होना चाहिए, उसका जो कलर है वो ग्रे होना चाहिए। अगर हम बाल्टी भरी पानी है उसमें हम सीमेंट को डालेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे बैठना चाहिए, तेजी से नीचे नहीं बैठना चाहिए। और भी कई हैं, सीमेंट को अगर हम पानी मिला के उसको एक पोटली में रख के 24 घंटे पानी, तो उसमें मकड़ी की जाले की तरह रेसेस नहीं पड़ने चाहिए। और सीमेंट को लेके अगर हम उसको एक तवे गर्म करें तो उसको अपना कलर चेंज नहीं करना चाहिए, उसके वेट में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसे कई टेस्ट हैं जो हम लोग फील्ड टेस्ट करते हैं, तो ये सब जानते रहिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट ऑब्टेंड बाई, जल्दी से कठोर होने वाला पोर्टलैंड सीमेंट प्राप्त किया जाता है, क्या किया जाता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग द क्लिंकर। जो क्लिंकर होते हैं वो आपके 5 से 10 mm के ढीले होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हाई डिग्री ऑफ फाइनेस, यानी इनको बहुत ही सूक्ष्म महीनता से इसको पीसा जाता है। तो इससे जो सीमेंट प्राप्त होती है वो क्या होती है, जल्दी से कठोर होने वाली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ जो आपका क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। एयर परमेबिलिटी टेस्ट सीमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड द, जो सीमेंट की पारगम्यता परीक्षण है उसको जानने के लिए हम लोग किसको जानने के लिए करते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट, उसको हम लोग फाइननेस, उसकी सूक्ष्मता को जानने के लिए करते हैं। इसको जानने के लिए और भी टेस्ट हैं, तो हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए, जो स्पेसिक ग्रेविटी होती है, कितनी होती है सीमेंट की, उसके लिए कौन सा टेस्ट है। तो अभी आपको और भी सीमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मेरा तीसरा पार्ट है। जब मैं दूसरी किसी बुक का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, अभी और अच्छी अच्छी बुक है, जब सीमेंट का चैप्टर आएगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। और ये आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको लोग दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा, बहुत बार SSC में पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सीमेंट में जो 1500 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू हैव 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट, यानी सीमेंट पेस्ट मतलब सीमेंट भी है और उसमें पानी भी है, यानी एक प्रकार से जेल है वो, इतना तैयार होता है जिसमें 1500 ग्राम आपका वाटर है, पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इज, तो उसमें पूछ रहा है वाटर का कितना प्रतिशत होगा, इसको आप हमको बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और सिंपल सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा, गुणा भाग करके ये निकल आएगा, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो जो आने वाले हैं उनको देखने के लिए, अगली बार एक नया चैप्टर मैं लेके आऊँगा जिसका नाम चूना और गारा है, यानी लाइन एंड मोर्टार, उसके बारे में चर्चा होगी, कई क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप जो मेरा वीडियो है इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे और स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा मिले, और कमेंट कीजिएगा।
थैंक्स टू वॉच।